ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं। जरा अपने भाग्य को देखकर तो मुस्कुराएं, सामने भगवान उपस्थित है, सब कुछ देने आया है, ताज हाथ में लेकर आया है, तिलक लाया है, लो बच्चे आओ और ये विश्व की बादशाही का ताज पहनो। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भगवान के इतने समीप आ जाएंगे, हम उसके अधिकारी बच्चे बन जाएंगे। वो आकर हमें श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा ही है हमें पढ़ाना, हमें गाइड करना, सत्य मार्ग दिखाना, कैसे हम नीचे उतरे हैं, क्यों उतरे हैं, इसका ज्ञान देना, और ऊंचाई पर जाने का मार्ग क्या है उसकी गाइडेंस हमें दे देना, यही उसकी संपूर्ण कृपा है, आशीर्वाद है। तो हम पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें, हमें ये नशा हो जाना चाहिए हम गॉडली स्टूडेंट हैं और स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है। ऐसा ना हो कि हम लौकिक व्यस्तता के कारण या सुस्ती और अलबेरेपन के कारण रोज पढ़ाई भी न पढ़ सके। हमें पढ़ना अवश्य है, पढ़ाई हमारा जीवन है, पढ़ाई में ही बहुत आनंद है। यदि आप रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए सेवा केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ आपके विचारों में परिवर्तन होगा, वहाँ जाकर आपको एक अलौकिक सुख भासे, आप दुनिया से डिटैच होने लगेंगे, आपको समस्याओं का समाधान मिलेगा। और भगवान पढ़ाता है, इस आनंद से आत्मा बहुत बहुत सुखी हो जाएगी। तो इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। भगवान पढ़ाने आए और हम अपने घर से पढ़ने भी न जा सके तो भगवान की दृष्टि हम पर कैसे आएगी, उसकी मदद का अनुभव हम कैसे करेंगे। तो न केवल योग लेकिन पढ़ाई को भी बहुत बहुत महत्व देना है। पढ़ाई भी तो हमें योग युक्त बनाने के लिए है, पढ़ाई हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, ये अलौकिक पढ़ाई हमारे विचारों को महान बनाने के लिए है, हमारी पवित्रता को संपूर्ण करने के लिए है, क्योंकि माया से हमारा युद्ध है। और इस युद्ध में अगर हमारे पास अनेक अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो माया के इस युद्ध में हार संभव है। जो लोग प्रतिदिन क्लास नहीं करते वो माया पर संपूर्ण विजयी नहीं बन पाते हैं। इन अस्त्र शस्त्रों की बहुत बहुत आवश्यकता है, इसलिए प्रतिदिन ये गोला बारूद अपने अंदर भर कर रखें। इस गोला बारूद से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि माया को जीतना हमारा परम ध्येय है और इससे ही हमें बाबा का प्यार भी मिलता है, क्योंकि बाबा बाप टीचर और सदगुरु के रूप में हमारे पास आए हैं। तो अगर हम अच्छी स्टडी करेंगे, अगर हम बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो परम शिक्षक का बहुत प्यार और सम्मान हमें प्राप्त होगा, उसकी बहुत समीपता प्राप्त होगी। और ये सत्य हमें जान लेना चाहिए कि बाबा वतन से कई बार अपने बहुत अच्छे बच्चों को देखता है, उन्हें दृष्टि देता है, वो क्या कर रहे हैं ये देखता है। ये बहुत सुंदर बात है, हम उसके बहुत अच्छे बच्चे बन जाएं, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएं, बहुत अच्छे फॉलोवर बन जाएं, तो उसकी दृष्टि हम पर निरंतर आती ही रहेगी और इसको छोटी बात न समझें। तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म लोक में बाबा हैं,
वहां से हमें निहार रहे हैं, उनके नैनों से मस्तक से श्रेष्ठ वाइब्रेशंस निकलकर हमारी ओर आ रहे हैं। तो देखते रहे आज सारा दिन सूक्ष्म लोक में बाप दादा की ओर और उनसे श्रेष्ठ एनर्जी प्राप्त करते रहें। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।